अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा था, तो हो सकता है 90% लोगों को इसका आंसर ही ना पता हो, बट एक नाम है जो हम एनसीसी सॉन्ग के साथ एसोसिएट करते हैं, वो है सुदर्शन फकीर का। बट वाकई में सुदर्शन फकीर ने एनसीसी सॉन्ग लिखा था? डोंट वरी, ये जो कंफ्यूजन है वो मैं आज क्लियर करता हूँ। तो जब 1948 में एनसीसी का इनॉग्रेशन हो चुका था, तो उस टाइम के बाद में एनसीसी को यूनाइट करने के लिए, यानी नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को पैदा करने के लिए, कैडेट्स के इमोशंस और सेंटीमेंट्स को एक साथ लाने के लिए एक गाने की जरूरत थी। तो अब गाना कहाँ से आए, आइडियाज कहाँ से आए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ओपन इन्विटेशन पब्लिक में जारी किया, जिसमें कोई भी बंदा अपने आइडियाज को या फिर कोई गाने को या कोई पोएम को लिख के गवर्नमेंट को भेज सकता था बाय पोस्ट। तो अब बहुत सारे एंट्रीज आ चुके थे, इन एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कुछ गाने एंड कुछ आइडियाज निकले, एंड इन सभी आइडियाज को मर्ज करा के गाना बनाया गया, राइट। एंड उसमें बहुत सारी चीजें बेकार थी, राइट, तो उनको अमेंड किया था सुदर्शन फकीर ने, इसलिए हम सुदर्शन फकीर को एनसीसी सॉन्ग के साथ एसोसिएट करते हैं। बट असलियत में एनसीसी सॉन्ग सुदर्शन फकीर ने नहीं लिखा था, इसके राइटर का कोई अता पता नहीं है। क्या ये चीज आपको पहले पता थी? कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए एनसीसी जर्नी को अब भी फॉलो करो।